Hey guys, welcome back to our channel Daily Interviews. We hope कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो guys, हम सुनोचंदा ड्रामा के एपिसोड 26 पर रिएक्शन दे रहे हैं। क्या यार, मतलब क्या ड्रामा चल रहा है, मजा आ रहा है। तोड़ू चल रहा है। चैनल ने लास्ट वीडियो में छोड़ा था, इस वीडियो में उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो guys, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि हमसे वेट तो हो नहीं रहा है, तो साथ में एपिसोड 26 आगे एंजॉय करते हैं, उसके बाद बात। हम मत करे लाइफ आसान। अरे क्या करेगा यार। तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए था अरसर और जिया के निकाह का। मैं बताने ही तो लगी थी लेकिन मुझे हुआ नहीं। बेवकूफ औरत, जानती औरत, इस पॉइंट को क्लियर के बगैर मामला आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं कर रही थी ना, मैं आपके सामने कर तो रही थी, बस तुम अपनी पड़ी तो फोन करके उनको पहले बता देती। अच्छा ना हो गया, अब बताइए करना क्या है। जिया तो उनको पसंद आ गई। मैं बताऊं? हाँ जब मैं बताता हूँ तुम्हें, अब करना ये है कि हम उनको कहेंगे कि ये निकाह जबरदस्ती हुआ था, हमारी इसमें कोई ख्वाहिश नहीं थी, कोई हमारी बेटी भी नहीं चाहती थी। बहुत जरूरी है। कैसी हो जिया? जिया ठीक। गैस चले गए तुम्हारे? नहीं, बैठे हैं अभी तक। अच्छा, हम लोग बाहर जा रहे थे, तुम चलोगी साथ? नहीं, मेरा मूड नहीं है, आप रुक जाएं। ये तो बहुत फूकती है भाई। क्या जरूरत थी आपको उससे कहने की? एटीट्यूड चेक किया है उसका? यार मुझे लग रहा है वो किसी बात से डिस्टर्ब है। एक्टिंग कर रही होगी आप मर्दों का दिमाग खराब करने के लिए। अच्छा छोड़ो ना, तुम अपना मूड क्यों खराब कर रही हो, चलते हैं, लेट्स गो। कैसे लगी तुम्हें? बहुत अच्छी लगी मुझे भी, बहुत प्यारी लगी है। मैं स्किन थी, ईद के बाद मैं बात करती हूँ। उनके फादर भी अच्छे, मुझे उनके अखलाक बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा आसान कर लिया। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? नहीं मारती, नहीं नजर आ रही। हाँ वो अपने हस्बैंड से कुछ बात करने अंदर गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, दोस्त है आप उनकी? हाँ मैं नेमा की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। आपकी तारीफ। मैं जिया का फर्स्ट कजन हूँ जी। ओह जी जी, और हस्बैंड भी हूँ माशाल्लाह से। व्हाट? हाँ जी, निकाह हुआ ना हमारा, थोड़े दिनों में इंशाल्लाह ताला शादी है। बल्कि मुझे तो याद आया, मैं तो आपके लिए कार्ड ही लेके आया हूँ। आंटी जरूर आइएगा, बमा फैमिली इंशाल्लाह, बहुत मजा आएगा। ओ भाई साहब, अच्छा यार इसने तो गेम ही पढ़ दी भाई। इंशाल्लाह फिर शादी पे मुलाकात होगी। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज़। क्या इसने कर दिया भाई काम? क्या मजाक कर रहे हैं मामा जी? ना आइए तो सही, ये मैं विजिट करने के लिए बुला लिया वो ना। ये क्या है? ये क्या है भाई? ये बताओ कि जब सब कुछ तय था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो आलिया, मैं वो तुम्हें सब बताने लगी थी, तो मुझे मौका था, तो तुम बैठो, मैं तुम्हें तफसील से समझाती हूँ सब कुछ। बैठने की कोई गुंजाइश नहीं बनती मामा, चलें यहाँ से। अरे नहीं बेटा, आप बैठो, बात तो सुन लो। सॉरी भाई साहब, अब निकाह की बात के बाद तो कोई गुंजाइश नहीं बनती बात करने की, इसलिए आप हमें इजाजत दें। यार वो आ ही गया उसको। नहीं सुनो सुनो सुनो, ये ना ये निकाह वाला किस्सा एक दो हफ्तों में खत्म होने वाला है, तुम क्यों सीरियसली ले रही हो इस बात को? उसूलन तो तुम्हें मुझे बुलाने से पहले बताना चाहिए था। नहीं माँ, मैं बताने वाली थी, मैं अभी मेरे से गलती हो गई। देखो मैंने गलती की है ना, तुम अपना ज़र्फ़ बड़ा कर लो। नहीं माँ, मैं अपना ज़र्फ़ कितना ही बड़ा कर लूँ, क्या मैं किसी ऐसी बच्ची को अपनी बहू बना सकती हूँ जो पहले से किसी के निकाह में है? अरे नहीं नहीं, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं। ओह माय गॉड, ये तो वही बच्चा है। कौन? ये मेरा बेटा है दानियाल डी जी। ये तो वही बच्चा है जिसने हमें गलत गाइड किया था, इसने कहा था कि यहाँ कोई नई माँ नहीं रहती। नहीं ऐसे दो हैं, एक साथ वाले घर में भी रहता है, ये नहीं है। भाई क्या खेल रही है? इस घर में हर किसी को झूठ बोलने की बीमारी है मामा। ऐसे दो हैं? नहीं नहीं बेटा, एक्सक्यूज मी, एक साथ वाले घर में। सही बोला यार, क्या सही यार, एक साथ वाले घर में। मोटे यही कह रहा था वो,
तुम्हें शर्म नहीं आई मेहमानों के साथ इतना बड़ा झूठ बोला अपने साइज का? ये किया क्या है तुमने? क्या सोच रहे होंगे वो कि ये औलाद की तरबियत की है हमने? ऊपर से वो महारानी मुंह फुलाए बैठी हुई थी। मुझे तो लगता है ये कार्ड वाली हरकत भी ना इसी ने की है। क्यों बोलते बता? मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम्हें सब कुछ पता होता है डीजे, झूठ मत बोलो, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कसम से मुझे कुछ नहीं पता। जी आप बताए ना, बता आप कमरे में था? हाँ हाँ, तो क्या हुआ? तुम्हारी शादी का कार्ड आलिया को किसने दिया? शादी का कार्ड? हाँ हाँ, फारसी बोल रही हूँ, तुम्हारी शादी का कार्ड आलिया को किसने दिया अंदर कमरे में आके? इतनी मशक्कत करने की क्या जरूरत है? मेरी माँ मेहमानों को इसका आइडिया दिखा दे, बेस्ट हो जाएगा। मैं कुछ पूछ रही हूँ जिया, जवाब दो मुझे। मुझे नहीं पता, और डीजे डीजे तो खुद मेरे साथ का कमरे में मेरा। तो फिर ये घटिया हरकत किसने की है? मानो या ना मानो, ये घटिया हरकत जेठानी साहिबा के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। ये कार्ड वाला कारनामा भी उन्हीं का है। लेकिन मासूमा भी तो अपना बदला ले सकती है ना हमसे। मासूमा ऐसा क्यों करेगी? वो तो चाहेगी कल की होती आज हो जाए शादी जिया की, ताकि अपनी बेटी के लिए वो मैदान साफ कर दे। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। अरे अच्छा हुआ निकल गया, जैसे अफ्तार कर रहे थे ना, पता नहीं खाना कैसे खाते वो। क्या? हाँ, तुम दोनों जाओ अपने कमरे में। जाओ। इतनी मेहनत से मैंने इफ्तारी बनाई थी, सारे मेहनत पे आपने पानी फेर दिया। पानी नहीं फेरा, उन्होंने मुंह फेर दिया। सही बोला था यार, ऐसे दो हैं, ऐसे दो हैं। रीजन पता का है। हाँ, लेकिन मैं, पर वो सुने तो, हाय अल्लाह जी, नगीना चाची क्या हो गया है? ब्रेक पे पैर तो मारो तुसी। नहीं, वो अरसल की शादी की तैयारी जो है ना, और तरीके अभी तक हमें नहीं पक्की पता, आगे पीछे हो सकती हैं। क्या निकल आया कराची के लिए? लेकिन अच्छा, मैं बाद में गल करनी है, मेरी शुगर काट रही है। खुदा हाफिज़। ए बेड़ा तर्ज है। खुदा के वास्ते शाना, कोई बुरी खबर नहीं सुनाना ना जमशेद साहब। आपका क्या मतलब है ये मनूस खबर? मैं अपने सीने में दबा के अपने आप को हार्ट अटैक करा लूं, हॉल पड़ रहे हैं मुझे। हुआ क्या आखिर? वो नहीं है चीचा वतनी वाली मेरी चची नगीना और फनागिन, वो जिन्होंने हमारी शादी में फसाद डाला था। खैर, फसाद तो आपके खानदान वालों ने भी कम नहीं डाला था। हाँ, मगर तुम्हारी नगीना चची की अजमत को कोई नहीं छू सकता था। अच्छा छोड़ो ना, वो ना उनका बेटा नहीं है जवाद उर्फ जोजी, वो आ रहा है शादी अटेंड करने के लिए। किसकी शादी? ना क्या हो गया आपको? अरसल और किंजा की शादी अटेंड करने के लिए एक ही तो शादी हो रही है। लेकिन दुल्हन की तब्दीली की तरह तो अपने खानदान में किसी को भी नहीं दी। हाय हाय, दफा करो, स्टेज पे बैठी हुई ना सारी दुल्हने एक जैसी लगती है, किसी को क्या पता चलेगा किंजा बैठी है कि जिया बैठी है। मेरे खानदान वाले कोई अंधे बहरे थोड़ी है, बाल की खाल निकालने में पीएचडी कर रखी है सबने। अच्छा, इस वक्त तो मुझे जोजी की टेंशन हो रही है। आपको नहीं पता उसके अंदर ना एक घटिया किस्म की औरत छुपी हुई है, हर बात पे ना चची को जाके कॉल खड़का देता है। मैं आपको बता रही हूँ, हमारा घर जो है ना हेडक्वार्टर बनने वाला है। शुक्र करो वो नहीं आ रही उसके साथ। खुला वाला केस वापस ले लिया, वो भी अरसल के कहने पे। आए, मेरे पुत्र का टैक्का ही इतना है, डर गए होंगे उससे। तो फिर आप उसी से करा दें उसकी शादी। बीरी को क्या हुआ है? मुझे लगता है तुम्हारा बेटा अंदर खाते में कोई बड़ी बेगैरती कर रहा है, इसलिए निमन निमास्ता है आजकल। अरे बाकी सारी बातों को छोड़े, पंजाबी चेक किया आपने अपनी जमशेद साहब? है निमन निमा, स्वाद आ गया सुन के। फिलहाल बेटे की क्लास में जाके कहीं ऐसा ना हो पूरे खानदान वाले स्वाद हासिल करें हमारे हालात देख के। अब तो शादी के मेहमान भी आना शुरू हो रहे हैं। अच्छा चलो, तुझे टेंशन ना लो। हाय, मैं जाके देखती हूँ। निमा निमा स्वाद आ गई, फिर भी मसले हल। हेलो। हाँ जिया। माँ यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा, मैं क्या करूँ? हाँ, पास करो या बर्दाश्त करो मेरी जान। सुनो हुमा, मेरी तो ये सोच सोच के चार निकली जा रही है कि अगर अम्मा अप्पा को पता चल गया कि इसके बारे में, तो
तो मेरा क्या होगा यार? और आजकल मैंने अर्सल को नोटिस किया, उसका तो स्टाइल ही बदल गया यार। तुमने भी तो बहुत तंग किया उस बेचारे को जिया। सुनो हुमा, इन सारी बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ अगर अर्सल ने मुझे सच में डिवोर्स दे दिया तो क्या होगा यार? मेरी मानो तो खुलकर बात करो उससे। हैं? नहीं भाई, किस मुंह से बात करूंगी मैं उससे? उसी मुंह से जिस मुंह से उसको आज तक इंसल्ट करती आई हो। मैं नहीं उससे खुल खुल के बात कर सकती यार, वो मेरा बड़ा मजाक उड़ाएगा, मुझसे नहीं होती खुल के बात। पागल लड़की, शौहर है वो तुम्हारा और महरम भी, उससे क्या शर्माना? बल्कि तुम एक काम करो, अभी इसी वक्त जाओ उसके पास और अपने दिल की बात कह दो उससे। लेकिन हुमा, लेकिन कुछ नहीं जिया, अभी और इसी वक्त। और हाँ, खबरदार अगर कुछ कहे बिना वापस आई तो। मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं करनी, बात कर कर आनी है, तभी इस मसले का कोई बेहतर हल निकलेगा। पागल, अच्छे से जा, खुदा हाफिज़, बाय बाय बाय। भाई कार्ड तो दे दिया बंदे ने, कार्ड दे दिया, वो स्यापा भी मच चुका है पूरा। स्यापा तो मच गया वहां पे, खिंजा आ गई, वो कह रही है उसी से करवा दो, जिया से शादी करवा दो। पता नहीं कोई आने वाला है यार, इनके घर कोई मेहमान आने वाले कोई तो आने वाला है, वो भी कुछ मतलब है कुछ। उन्होंने डीजे को भी तो देख लिया यार इसमें। हाँ उन्होंने, हाँ रिश्तेदारों ने डीजे को भी देख लिया। सही था यार, ऐसे दो है, ऐसे एक एक पड़ोसी है, एक बराबर में भी है, कुछ ऐसी कर दे यार। वो सही था, एकदम बोला था यार वो, बिल्कुल सही था यार, वो सही था, सही लगा यार। और वो जो आइडिया था ना, वो शहरयार का, शहरयार का बहुत बढ़िया आइडिया, बहुत बढ़िया था। और उसने कर भी दिया, उसने कर दिया, कार्ड दे भी दिया उसने, मतलब सही चीज बोली थी ना उसने, कार्ड ही दे दे, कार्ड ही दे दे, इतनी जद्दोजहद कर रहा है, कार्ड दे दे, खत्म कर खेल, और खेल खत्म हो गया है। बहुत सही गाइस, आगे देखते हैं जिया क्या करती है, मतलब आई लव यू बोलती है नहीं बोलती। हाँ वो तो आगे देखने के बाद ही पता चलेगा, बोल तो रही है कि बात कर बात कर, बट वो यही है ना उसके दिमाग में, यही है कि यार वो क्या सोचेगा यार, वो क्या सोचेगा, अब वो मजाक उड़ा रहा है, मजाक उड़ाएगा। और वो अभी भी मजे ले रहा है, वो मजे तो ले रहा है कि उसे पता है। तो गाइस आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है।